नाजिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवक युगल किशोर जी। तो युगल किशोर जी बताएं क्या कहना चाहेंगे, आमतौर पर आप पहुंच के मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, तो आज किन मुद्दों को लेकर आपने ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाज किया था कि पुंछ के बीच जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो ट्रैफिक के नियम हैं इनकी उल्लंघना की जा रही है, किसी का भी कोई नियम नहीं है, कोई भी पालना नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ देर ही यहाँ पर जो हॉस्पिटल के पास जो हमारी एक लिंक रोड निकली है डिस्सा में जो निकाली है, मैं मार पा देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर डी सी साहब को, जिससे जो है कि वन वे ट्रैफिक हुई है, लोग हॉस्पिटल तक पहुँच पाते हैं। लेकिन उस अक्सर के बाद देखा जाए कि पहले भी उसके लिंक रोड के बाद भी जो वन वे ट्रैफिक की है हॉस्पिटल के बाद, उससे पहले भी जो है हमारी कुछ जो बहनें हैं जो डिलीवरी केस के लिए हॉस्पिटल तक पहुंची हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इन एक्सीडेंट केस पूंछ में हुए हैं जो कि डेथ हो गई है। अभी देखिए कि लोरन मंडी मेंट की गाड़ियां सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही निकलती हैं, और यहाँ पर जो हमारे समाज के लोग हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर वो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके मार्केट में जा रहे हैं दो घंटे के लिए या ऑफिस में जा रहे हैं, उससे जो है जाम लग रहा है, जिसमें हमारी आर्मी के कारण भी यहाँ से मूव करती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने भी ऑफिस साहिबान हैं वो भी यहाँ से मूव करते हैं। सिंगल रोड हमारे पास है, लिंक रोड के लिए बात की थी, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। हम पूरा समाज जो है इस काम के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ छाना बिछाना खड़ा है। हम समाज के लोगों को ये एक कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारा भाई वहाँ जो गाड़ी खड़ी करता है पर्सनल गाड़ी, उसको सोचना चाहिए कि हम जहाँ गाड़ी खड़ रहा हूँ उससे क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा। इस वजह से जो हमारी जो इलीगल पार्किंग जो रॉन्ग पार्किंग जो हमारे लोग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे तो पूंछ का एक स्मूथली जो ट्रैफिक चलेगी, कोई भी एक्सीडेंट केस पूंछ में नहीं हो सकता है। बहुत से एक्सीडेंट केस ऐसे हुए हैं जाम की वजह से लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन देखा जाए कि कुछ इंस्ट्रक्शन बोर्ड यहाँ पूंछ में लगे थे, 500 रुपया 1000 रुपया जुर्माना था जो गाड़ी अगर रॉन्ग पार्किंग खड़ी करता है और जो 3-4 घंटे की खड़ी रहती है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर जो है क्रेन मंगाई जाती थी, गाड़ियाँ उठा के थाने में जाती थी, उससे क्या है कि लोग दाएँ बाएँ से फ़ोन करवा के गाड़ी रिज करा देते थे। ऐसा कानून पास होना चाहिए कि अगर थाने में कोई शख्स गाड़ी के लिए जाता है गाड़ी रिज नहीं होनी चाहिए, और वो गाड़ी रिज करेगा तो वो अपनी गलती महसूस नहीं कर पाएगा, और वो गलती महसूस करेगा दूसरी बार यहाँ पूंछ में जाम ही लगेगा। आपके चैनल की इतनी ताकत है कि पूंछ से कई मसले मिसाइल जो आपने हल करवाए हैं, जो मसले किसी ने हल नहीं करवाए, हमारा एक फर्ज बनता है, हमारा एक मुद्दा बनता है कि हम पब्लिक के बीच जाएँ और इस बात को हाईलाइट करें ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे, उनकी टेबल तक ये बात पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट साहब बहुत ही होनेस्ट अफसर हैं, पूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, और पूंछ के लिए ये जो है सबसे बड़ा परमाणु है जो कि इलीगल पार्किंग हो रही है, रॉन्ग पार्किंग हो रही है, अगर इसको हम दूर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत स्मूथली यहाँ पर ट्रैफिक चलेगी, लोगों को इसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। थैंक यू।